मैं जीत गया। बहुत बढ़िया चिंटू, तुम जानते हो कि ऐसी प्रथा है कि जो हारने वाला है वो अपनी फेस पेंट करता है। किसने इतनी बेवकूफों वाली प्रथा बनाई? मैं अपना चेहरा रंगाने वाली नहीं हूँ, मुझे ये प्रथा पसंद नहीं है। मैं नहीं करूँगा। हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और तुम हो कौन? हम तुम्हारे साथ शटल का खेला। ठीक है, चलो खेलते हैं। हमारे साथ खेलने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ कौन खेलेगा पहले? चतुर, तुम पहले जाओ। मैं? ठीक है, ये मेरे कुंग फू के लिए है। चतुर, डरो मत नुक्कड़, मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे, तैयार रहो। ये तो काफी बड़ा शटल कॉक है। ये वाला तो खास उन मुर्गों को पकड़ने के लिए बनाया गया है। चिंता मत करो, बस फेंक दो उन पर। ठीक है, अब तो तुम बस रुक कर देखो चतुर। ये आ रहा है शटल कॉक। ठीक है, देखता हूँ। यार मैं देख नहीं पा रहा। अच्छा, ये क्या चीज है? ये क्या है? ये वाला शटल का खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। ये लहसुन पाउडर, मिर्ची पाउडर और करी पाउडर से बनाया गया है। आशा करता हूँ कि तुम्हें तीखा और चटपटा वार पसंद आया होगा। ये आ दूसरा, ये लो भुक्कड़। ठीक है, क्या तुम दूसरे वार के लिए तैयार हो चतुर? चतुर संभाल के। ये क्या है? कितनी घिनौनी बदबू है। बदबूदार बॉम्ब कामयाब हुआ। इसे गंदी क्वालिटी के परफ्यूम, इस्तेमाल किया हुआ साबुन पाउडर और सड़ा हुआ शैम्पू से बनाया गया है। क्या तुम्हें पसंद आया चतुर? अरे ये तो नेवले है। पल्लू अंकल, जाओ चतुर की मदद करो। पर मैं तो यहाँ से अभी जाने ही वाला था। पल्लू अंकल, ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं जाता हूँ। बेस्ट ऑफ 5 जीतेगा। क्या तुम अंतिम राउंड के लिए तैयार हो चतुर? चतुर, तुम्हें क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ यार, आ जाओ मुकाबला करो। देखो, ये खास शटल कॉक है भुक्कड़, इसमें कैक्टस के कांटे और सुइयां हैं। जोर से मारना भुक्कड़। ठीक है, उसके सिर पर निशाना लगाओ। समझ गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ चतुर। यार, अंदर की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। तुम कर सकते हो। अरे वाह चतुर, तुमने कर दिखाया। अरे नहीं चतुर, दर्द हो रहा है। उठो बेवकूफ भुक्कड़ कहीं क्या? कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। चतुर, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दो कैसे हो गए आप मास्टर? चतुर बेचारा, ये उस घिनौनी बदबू से मारा गया है। तो मुर्गों का सफर खत्म होने वाला है। तुम्हारे आखिरी आराम की जगह हम नेवलो के पेट में है, समझ गए? बदबूदार नेवलो, ये सब तुम्हारी गलती है। कितनी खुशी की बात है। क्या करूँ क्या करूँ, मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अब कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। मैं तुम दोनों नेवलों से नहीं डरता। हाँ,
टिल्लू के बच्चे, मैं तुम्हें अकेला ही संभाल लूंगा। अच्छा सच में? तो आपस में लड़ाई करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। लो मोटे बल्लू। अरे नहीं, ये कौन सा गुप्त हथियार है? नाचने वाली टॉफी। स्वादिष्ट कैंडीज। हे, ये किस तरह का गुप्त हथियार है? मैं तो सारे चट कर जाऊंगा। जितना खाना है उतना खा लो मोटे बल्लू। कितना स्वादिष्ट है। तो तुम्हें पसंद आई मेरे नाचने वाली कैंडी? मैं तुम्हें नाचते हुए देखने को बेताब हो रहा हूँ। डांसिंग कैंडीज। मुझे लगा तुमने स्वादिष्ट कैंडीज कहा था। ये लो मोटे बल्लू, ये है शटल कॉक रोस्टेड चेस्टनट से बना हुआ खास तुम्हारे लिए। रोस्टेड चेस्टनट मेरे फेवरेट है ये। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये लो गमबॉल शटल कॉक सिर्फ तुम्हारे लिए बल्लू। तुम इस पे फिदा हो जाओगे। 1 2 3 दोबारा नहीं। ये तो बहुत सारा च्युइंगम है। अरे मुझे जाने दो। तुम तो गए मोटे बल्लू। अरे नहीं, नहीं। सांस ले लो मोटे बल्लू, तुम तो गए। फुक्कड़, यहाँ और मेरी मदद करो। मैं आया। वो टिल्लू तुम लाजवाब हो, तुमने पलक झपकते अंकल बल्लू को पकड़ लिया। हाँ, वो तो हूँ। देखो टिल्लू, वो वहाँ क्या है? बाल बाल बच्चा। ये कितना बड़ा शटल कॉक है। चिंटू तुम वापस आ गए। देर हो गई। इतना कमाल का शटल कॉक बनाने में काफी टाइम लग गया। कितना जटिल। फुक्कड़ और टिल्लू अभी इस प्यारे से बॉल को आजमाओ। टिल्लू वो इस तरह। दिखाया चिंटू। अभी नहीं, एक और शटल कॉक बाकी है। प्रथा है कि जो भी हारता है उसका चेहरा हम पेंट करेंगे। वो देखो। वाह, ये कितना बड़ा गुब्बारा है। चलो पास चलते हैं। हाँ ठीक है। शटल कॉक से ही खेलेंगे टिल्लू।